एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीजनिंग का चैप्टर 7 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 16 आपके सामने एसएससी 2003 में आया हुआ है। सीरीज है 20 20 19 16 17 13 14 11 क्वेश्चन मार्क। तो सीरीज एक बार लिखते हैं फिर देखते हैं क्या पैटर्न है। 20 फिर 20 है आपका, 19 16 17 13 14 11 क्वेश्चन मार्क। अब अगर यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देखें तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस 0 है, फिर यहाँ पे क्या हुआ -1 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ -3 हुआ, फिर यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ 17 से 4 जाएगा, ये -4 हुआ। तो देखिए कोई पैटर्न नहीं है। अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं है। अब क्या करें हम लोग, कुछ और देखते हैं। तो डिफरेंस देखना बेकार हो गया। अब देखिए ये 20 है, इस 20 और इस 19 अल्टरनेट पे देखते हैं, और ये 17 और ये 14 इनको एक तरफ लिख लेते हैं। यानी ये जो 20 है हमारा अल्टरनेट, 20 19 17 14 और फिर ये क्वेश्चन मार्क हमारा अल्टरनेट वाले में आएगा, और ये फिर जो बच रहे हैं ये अल्टरनेट वाले, ये अल्टरनेट वाले हमारे 20 16 13 11। तो अब ये अल्टरनेट सीरीज फॉर्म हो रहा है। देखिए 20 से 19 हो रहा है, यानी -1 हुआ, फिर 19 से 17 हुआ तो -2 हुआ, और 17 से 14 हुआ तो -3 हुआ। यानी पहले -1 हुआ, फिर -2, फिर -3। इसमें क्या हो रहा है, 20 से 16 हुआ तो -4 हुआ, 16 से 13 हुआ तो ये -3 हुआ, और 13 से 11 हुआ तो ये -2 हुआ। तो क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर आएगा हमारा, देखिए 20 19 17 14 यानी -1 -2 -3, तो अगला नंबर क्या है -4, यानी 14 से -4 हो जाएगा, 14 से 4 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। तो पहला नंबर तो यहाँ पे हो गया 10। अब इस सीरीज का नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -4 -3 -2, तो अगला क्या हो गया -1, तो 11 से जब एक घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो दोनों नंबर 10 और 10 आ गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सीरीज है 110 132 156 क्वेश्चन मार्क 210। तो ये आपका 110 132 156 क्वेश्चन मार्क 210। अब डिफरेंस अगर देखें तो 110 से 132 हुआ है, यानी कितना ऐड हुआ होगा इसमें +22। 132 से 156 हुआ है तो घटा लेंगे 156 से 132, तो 6 से 2 जाएगा 4 और 5 से 3 गया 2, तो इसमें क्या ऐड हुआ है 24 ऐड हो रहा है। अब 156 में क्या ऐड होके बनेगा क्वेश्चन मार्क, ये हमको नहीं पता है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा जिसमें ऐड होके आपका 210 आएगा, ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पे देखें 22 ऐड हो रहा है, फिर 24 ऐड हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यानी +2 हो रहा है। पहले 22 ऐड हुआ फिर 24 ऐड हुआ, तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें 26 ऐड करें और फिर इसमें क्या ऐड करें 28, तो देखते हैं हमारा क्या होता है। अगर 156 में 26 ऐड करने पे जो आएगा उसमें 28 ऐड करने पर 210 आ गया, तो हमारा क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। तो 156 में 26 पहले जोड़ते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल है कि ये हो गया 182। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 182। अब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए 182 में 28 जोड़ने पर 210 आना चाहिए, तो 182 में 28 जोड़ेंगे, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 11 1 1 2 और 210 हो गया, यानी ये नंबर हमारा 182 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज है 3 10 20 33 49 68 क्वेश्चन मार्क। तो सीरीज एक बार लिख लेते हैं, 3 10 20 33 49 68 क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस देखते हैं, 3 से 10 हुआ तो कितना ऐड हुआ होगा 7, 10 से 20 ऐड हुआ तो कितना ऐड हुआ होगा 10, 20 से 33 हुआ तो 13 ऐड हुआ होगा, और 33 से 49 33 और 7 40 और 7 9 16 हो गया, और 49 से 68 गए होंगे तो 19 ऐड हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या ऐड होके ये क्वेश्चन मार्क आएगा, यही हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न मिला, पहले 7 ऐड हुआ 10, फिर 13 16 19, यानी 3 3 बढ़ता चला जा रहा है, 3 3 का डिफरेंस इसमें भी है,
तो 16 से फिर 3 हुआ 19, तो अगला नंबर क्या जुड़ेगा, 19 प्लस 3 यानी 19 प्लस 3 जुड़ेगा आपका नंबर 22, तो आंसर हमारा हो जाएगा 68 है और उसमें 22 जुड़ के क्वेश्चन मार्क आएगा। 8 दो 10 के 0 हासिल 1, 6 दो 8 1 9, 90 आंसर हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज आपका है 15 31 64 131 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो सीरीज है 15 फिर 31 फिर 64 और फिर 131 फिर क्वेश्चन मार्क, तो अगर डिफरेंस यहाँ पे देखें तो 15 में 16 ऐड हुआ होगा तो 31 होगा, 31 में कितना ऐड होगा, 31 में 30 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 64 से 31 अगर घटाएंगे तो ये आएगा 3 और 3 33, यानी यहाँ पे 33 ऐड हुआ और फिर यहाँ पे 131 से 64 घटा लें, 11 से 4 गया 7, 12 से 67, तो पहले 16 ऐड हुआ फिर 33 और फिर 67, तो इसमें डिफरेंस कितना है 17 और इसमें 17 ऐड करेंगे तो ये 50 आएगा, तो इसमें डिफरेंस जो है 17 के बराबर नहीं है, यानी जो डिफरेंस हमारा देख रहे हैं डिफरेंस से हमको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंस पहले 16 है फिर 33 है फिर 67 है, तो डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं है, तो डिफरेंस हमको नहीं देखना है, क्योंकि अगर देखने के बाद हमको कुछ नहीं मिला। कुछ और देखते हैं, 15 से 31 हो रहा है फिर 64 फिर 131, एक बार फिर लिख लेते हैं 15 31 64, तो ऐसा नहीं कि हर बार डिफरेंस देख के ही आंसर निकाला जाएगा, डिफरेंस में कभी कभी पैटर्न नहीं बनेगा तो कुछ और सोचना रहेगा। अब 15 से 31 हो रहा है, 15 से 31 कैसे मिलेगा आपका, 15 गुणे 2 कर दें और जो आए उसमें 1 ऐड कर दें, तो 15 दो 30 और 1 31, 31 से 64 कैसे मिलेगा, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 हो जाएगा और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 64 आ जाएगा। 64 से 131 कैसे मिलेगा, 64 गुणे 2 करेंगे तो 64 गुणे 2 128 हो जाएगा और इसमें 3 ऐड करेंगे। देखिए हमारा क्या है पैटर्न, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, अगला स्टेप मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, अगला स्टेप मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, तो अगला हमारा क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 जो नंबर पीछे होगा प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 131 गुणे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4, यही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा, तो हो जाएगा 262 262 और प्लस 4 बराबर 266, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीरीज है 1 2 4 8 क्वेश्चन मार्क, 1 2 4 8 क्वेश्चन मार्क, तो अगर डिफरेंस देखें तो 1 में 1 ऐड होके 2 होगा, 2 में 2 ऐड होके 4 होगा और 4 में 4 ऐड होके ये होगा। अब देखिए 1 ऐड हो रहा है फिर 2 फिर 4, अगर इसमें डिफरेंस में पैटर्न देखें तो इसमें 1 बढ़ रहा है इसमें 2 बढ़ रहा है, यानी डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं है, पहले 1 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा और इसमें डिफरेंस का डिफरेंस करें तो 1 आ रहा है 2 आ रहा है, तो डिफरेंस देखना बेकार है। फिर कुछ और देखते हैं, सीरीज लिख लेते हैं 1 2 4 8 क्वेश्चन मार्क, तो एकदम सिंपल सा सीरीज है, 1 से 2 हमारा होगा यानी नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 4 होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 से 8 हुआ यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 8 इंटू 2 16 हो जाएगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।